दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लास में। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है पंचायती राज विभाग का जो वेबसाइट मैंने खोला हुआ है, और यहाँ पर कोई भी दोस्तों नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है जो कि आप देख रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल वाले बना बना के डाल रहे हैं, देखे मैं जो इससे पहले मैं वीडियो बनाया था ये वाला, दोस्तों इसका कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों नहीं है, क्योंकि ये वायरल हो रहा है बहुत सारा आपका जो वेबसाइट पर जो है, जो जो भी बहुत सारा आपको यूट्यूब चैनल है या बहुत सारा सोशल मीडिया चैनल है वहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है। इसका कोई भी जेन्युइन न्यूज़ नहीं है, कोई भी इसका साइट पे जो ओरिजिनल वेबसाइट है बिहार पंचायती राज का वहाँ पर नहीं आया है, इसलिए दोस्तों इस पर भरोसा नहीं करना है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान का जो पेपर है आज का डेट का है 23 तारीख का, उसमें दोस्तों पटना का जो एडिशन है वहाँ पर आया है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ साफ साफ हमारे वीडियो को, लास्ट में जरूर देखिए आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा क्या ओरिजिनल है। देखिए दोस्तों दिखा रहा है पंचायत में नियुक्त को काउंसिलिंग 17 और 20 को, यानी जो पंचायत में जो नियुक्ति होगी उसके लिए काउंसिलिंग 17 और 20 को होगी। देखिए दिखा रहा है पंचायती राज विभाग के अधीन संविदा पर होने वाले लेखापाल सह आईटी सहायक और तकनीकी सहायकों की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 17 और 20 नवंबर को होगी। जी हाँ दोस्तों ये 17 और 20 नवंबर को होगी। याद रखिएगा उक्त दोनों ही पदों के लिए 296 सीटों पर चयन होना है। विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी राज्य के बाहर रह रहे हैं, जो कि सही बात है दोस्तों, बहुत सारे बिहार से बाहर रह रहे हैं जिन्हें दिवाली और छठ के समय गाड़ियों में भीड़ के चलते आने जाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए छठ के बाद काउंसलिंग की तिथि रखी गई है। संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी, यानी जो जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे हैं जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था वो उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका काउंसलिंग होगा। उसके बाद मेगा सूची तैयार की जाएगी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति काउंसलिंग करेगी, यानी जो जिला में जो फॉर्म भरे हैं उसी जिला में जिलाधिकारी गठित की जाएगी और वही उसकी काउंसलिंग करेगी। डेट दोस्तों याद रखिएगा 17 और 20 नवंबर। ये दोस्तों हिंदुस्तान का जो जेन्युइन न्यूज़पेपर है उसी में ये छापा गया है, जो कि मुझे लग रहा है ओरिजिनल है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 4 दिन 2 दिन और रुक जाइए, क्योंकि ये सारा बात क्लियर हो जाएगा और जैसा भी होगा आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये सही है या फिर आपको जो ये PDF जो दौड़ रहा है अमृत लाल मीणा का, क्यों कि दोस्तों ये देख रहे हैं जो पेपर है वहाँ भी आपका अमृत लाल मीणा का यहाँ पर दिखाया गया है जो स्टेटमेंट है, और ये जो आपका PDF है उसमें भी आपका अमृत लाल मीणा का सिग्नेचर दोगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका कोई भी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए दोस्तों आप इस पर भरोसा कर सकते हैं 17 और 20 नवंबर को। दोस्तों जैसा भी हो दोस्तों अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा, अच्छा लगे लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।